Gracias.
खेल जारी है। तीन ओवर खेल की जाने से आगाज के लिए रन जमान अपने बल्ले के निशान पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन बहुत बहुत शुक्रिया। ये फाइनल मैच अजीम ने इस मरतबा खेल लिया है। लेग स्टंप बाउंड्री की जाने पहली बाउंड्री हासिल की है अजीम और साले, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज और दोनों भाई इस वक्त अपने का महा संभालने के लिए आए। फाइनल मैच की ये पहली ओवर की चौथी गेंद थी जिसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया अजीम खान ने बड़ी शानदार छह के लिए। चढ़वाई शाइन के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दिलनवाज इलेवन के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अजीम खान इस वक्त सामना करेंगे रौनक जमान का। रौनक जमान पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और इस मरतबा इस गेंद को खेल लिया है। गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन की बाहर जा रही थी लेकिन दरख्त से टकराने के बाद वापिस आई और खुशकिस्मत रहे रौनक जमान और बदकिस्मत रहे अजीम खान के गेंद ग्राउंड के अंदर लगी, वरना यकीनी तौर पर ये छह रन होते। ताहाल अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा। दोनों टीमों पर अगर नजरें दौड़ाई जाए तो दोनों टीमें बिल्कुल मुतवाजन और रिवायती हरीफ भी रहे हैं और मुतवाजन इस लिहाज से कि दोनों टीम के जो बैटिंग का ताल्लुक है, बैटिंग की जो इनकी सलाहियतें हैं, जो बैट्समैन है अजीम खान, मेरा वाजिद ख्याल की जानिब से अजीम खान, साले, फैसल, अब्दुलसलाम, आबिद अली, मुख्तियार, ये बड़े अच्छे बासलाहियत, जबकि आदिल नवाज इलेवन की तरफ से बजाते खुद आदिल नवाज, रौनक जमान और उमेर, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा ही जबरदस्त और सनसनीखेज मैच देखने को मिलेगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो शायकीन क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर एक अच्छा और लुत्फ उठाने वाला मैच देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें जो इस लेवल तक पहुंची है तो यकीनी तौर पर कुछ करके गुजरी है, कुछ करके आई है यहां तक और इस लायक है कि यहां तक इन्होंने अपने आप को पहुंचाया है। साले और अजीम अपने का महा संभालने के लिए आए थे और अजीम साले की निस्बत इस वक्त उसके बड़े भाई अजीम खान ने जारहाना फन अपनाया हुआ है। दो अच्छे स्ट्रोक जुड़े, एक छक्का और दूसरा बॉल जो था वो ग्राउंड के अंदर जो दरख्त था उसे टकरा कर वापिस आई। तो शायकीन क्रिकेट इस वक्त
जो लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट के जो शायकीन है उनकी तादाद में बेपना इजाफा है और इजाफा आहिस्ता आहिस्ता मजीद होता जा रहा है। दूर दराज से लोग मोटरसाइकिल, गाड़ियों, पैदल और अलगरज हर किस्म की जो इनको सहूलत मैसर हो उसको जेर कार लाते हुए ग्राउंड में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फाइनल मैच से लुत्फ अंदोज हो जाए। हमजा को बुलाया है, हमजा ने कल एक ऐसा ओवर फेंका था, हमजा ने कल जो ओवर फेंका था टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था गबासने 11 और इनके दरमियान जो मैच था। फाइनल मैच मेरा बाजित खेल पिछले 4 सालों में तीसरी मरतबा मेरा बाजित खैर स्टार फाइनल खेल रही है। हमजा आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेट पर, गेंद की बड़ी अच्छी गेंद, बड़ी होशियारी से फेंकी गई गेंद थी और कोई जवाब नहीं था मोहम्मद साले के पास। गेंद आई तड़मेन की जानी, फील्डर ने उठाकर थ्रो किया और स्कोर 11 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अजीम और मोहम्मद साले अपने का महाज संभालने के लिए आए हैं दोनों भाई। और इसके बाद इनके एक और भाई मोहम्मद फैसल जो इस टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको भी आना है, लेकिन ताहाल मेरा वाजिद खेल की टीम ये चाहेगी कि ये दोनों ज्यादा देर तक क्रीज पर रहे। हेलो, हमजा अपने बॉलिंग पर निशान पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े हैं। इस वक्त सामना करेंगे अजीम खान। और इस मरतबा अजीम ने खूबसूरत तरीके से खेल लिया है ऑफ स्टंप में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अंपायर का इशारा देखना कब पड़ेगा, अंपायर का इशारा कि ये 4 रन, तो स्कोर में मजीद 4 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमजा एक मरतबा फिर आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और इस मरतबा गेंद को खेल लिए फील्डर की जानिब। खुशकिस्मत रहे अजीम के गेंद जो थी वो फील्डर से पास पर गिरी और 2 रन का मौका था जो हाथ से जाने नहीं दिया। और यहाँ पर एक ब्यूटी ऑफ अमाजे के लिए खुशाइन बात के अमाजे तजरात इत्तेहाद के चेयरमैन इनायत ने ब्यूटी ऑफ अमाजे के लिए, तो रहमान ने ब्यूटी ऑफ अमाजे के लिए स्पेशल ऐलान किया है जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा कि
कितने रुपए मुकर्रर किए गए हैं, नकद की सूरत में, कैश की सूरत में, या वो सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा। ताहाल मैच जारी है, हम जा रहे हैं गेंद करने के लिए अंपायर के पास। और इस मरतबा क्या कहने हमजा की, गेंद को ऑफ स्टंप पर बैट्समैन को देखते हुए कि बैट्समैन ने कदमों का इस्तेमाल किया तो गेंद को गोल लाइन पर पिच किया और सही एरिया में गेंद को पिच करने के बाद गेंद को उछाला दिया, गेंद सीधी आई विकेट कीपर के महफूज हाथों में बगैर किसी रन के। हमजा एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा जितनी भी तारीफ की जाए कम है, हमजा की गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, गेंद तवक्कात से ज्यादा उछली और सीधी आई विकेट कीपर के महफूज हाथों में बगैर किसी रन के। तो दो गेंद कवल चौका खाने के बाद एकदम शानदार कमबैक करने में कामयाब रहे हमजा। लंबे रनअप के साथ आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा एक और बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बड़ी नपी तली और जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा किया हमजा ने एक ऐसे मरहले पर जब इनिंग की शुरुआत हो चुकी थी और पहले इनिंग में पहले ओवर में एक छक्का लगाने में कामयाब रहे थे अजीम खान और हमजा ने आकर स्कोर सिर्फ और सिर्फ ये ओवर जो था 7 रन तक महदूद रखा। बड़ी शानदार और जानदार बॉलिंग का मुजाहरा हमजा की जानिब से। फाइनल में ये 10 ओवर का गेम है और इस टूर्नामेंट का 44 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट और आज इसका फैसला कुल मैच खेला जा रहा है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी, जो भी टीम इस मैदान से सरखुरू होकर निकलेगी, वो ये ट्रॉफी ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होगी। और हर साल इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट मौसम सरमा में एक टूर्नामेंट मुनाकिद किया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी आज इसका फाइनल खेला जा रहा है और पिछले 4 सालों में तीसरी मरतबा मेहराबाद इत्खान स्टार फाइनल खेल रही है, जबकि आदिल नवाज 11 जो है अदनान को बुलाया है कप्तान आदिल नवाज ने गेंद करने के लिए। तमाशाइयों को और इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी और गेंद के नीचे आकर मोहम्मद साले ने गेंद को उठा दिया सही एरिया में बाउंड्री के बाहर। बड़ा शानदार छक्का साले के बैट से और ये टूर्नामेंट साले के लिए बहुत ही ज्यादा खुशकुन रहा, क्योंकि साले हर मैच में बड़ी अच्छी और जारहाना इनिंग खेलते गए हैं। पुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थी और इसे सही एरिया में सही वक्त में टाइम देते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। स्कोर 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 24 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तमाशाइयों की तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है
और अदनान आरे गेंद करने के लिए एक मरतबा फिर सालिया सामना करेंगे। गेंद की ये भी फुल टॉस गेंद थी और स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। स्कोर में एक रन का मजीद इजाफा। दोनों टीमों की जो स्क्वाड है अगर उनका मुआवजा किया जाए तो यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ही बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं, क्योंकि छड़वाई एक क्रिकेट टीम जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें बड़े बड़े नाम आदिल नवाज, रौनक जमान और उमेर, जबकि मेराबाज खैर स्टार में ये दोनों भाई जो अपनी का महा संभाले और इसके बाद इनका एक तीसरा भाई मोहम्मद फैसल का आना बाकी है। ये मैच आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ यानी बेटी ऑफ अमाजे के साथ ताउन किया है ताजिरात अमाजे ताजिरात इत्तेहाद के चेयरमैन इनायतुर रहमान ने। अदनान और इस मरतबा स्टेट बॉडी की जानिब खेलकर गेंद फील्डर के हाथों में आकर निकल गई और रन आउट होने का चांस हो सकता था, लेकिन अजीम खान बर वक्त अपनी क्रीज में पहुंचने में कामयाब रहे। अट्ठाईस रन, तीसरे ओवर का खेल जारी बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन पर ओवर की औसत से स्कोर किए हैं इस वक्त मेराबाज खैर स्टार के खिलाड़ियों ने। हाँ बस हो सकता है हर साल मदाखेली फाइनल खेलते, शायद इनकी मेहनत ज्यादा है। इस वक्त अदनान अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सामना करेंगे मोहम्मद साले, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी लेकिन होशियारी से गेंदे फेंक रहे लेकिन चौके ऑफ स्टंप से बाहर है, इसलिए अंपायर बिल्कुल हक बजाने पे इसे वाइड बॉल करार देने में। स्कोर में एक रन का मजीद इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तारिक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल आज खेला जा रहा है दोनों मजबूत टीमों के दरमियान और ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने इसे भी वाइड बॉल करार दिया। स्कोर में एक रन का मजीद इजाफा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। तो ये इनिंग में ये इस इनिंग नहीं बल्कि इस ओवर में ये पांचवी वाइड बॉल है और मुसलसल ऑफ स्टंप पर गेंदे फेंक रहे हैं, चाहते कि मोहम्मद साले को बड़े स्ट्रोक से दूर रखे, लेकिन मोहम्मद साले को बड़े स्ट्रोक से दूर रखते रखते खुद 6 रन जो है वाइड की सूरत में कंसीड किए। और हम आपको एक मरतबा फिर बताते चले कि इस मैच को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अमाजे ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन इनायतुर रहमान ने। तमाशाइयों की तादाद इस वक्त बहुत ही ज्यादा है और तमाशाइयों की जो आने की जो तमाशाई की जो तादाद है उसमें रफ्तार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि तमाशाई दोनों साइड से मदाखिल साइड से और टोपी साइड से दोनों तरफ से रफ्तार ग्राउंड में दाखिल होते हुए। इस मरतबा अदनान सामना करेंगे उसका अजीम खान, अदनान पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, ऐसे खेल लिया लेग स्टंप की जानिब और गेंद ड्रेसिंग रूम की जानिब आकर अंपायर ने एक रन का इशारा दिया, क्योंकि मेहमान ने खुसूसी बैठे हुए हैं, गेंद उनकी ड्रेसिंग की तरफ आई और अंपायर ने एक रन का इशारा दिया।
और इस वक्त हमारे कम्युनिटी बॉक्स में चाय का वक्फा है। चाय के वक्फे के बाद आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे। मेहमानाने खुसूसी में चिप गेस्ट जो है इस वक्त कोपड़े के मारूफ मशहूर बिजनेसमैन फिदा मोहम्मद। और इस मरतबा बड़ा गजब का स्ट्रोक मोहम्मद साले की जानिब से, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा शानदार चक्का मोहम्मद साले के बैट से। तीसरे ओवर का खेल जारी है। स्कोर 45 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दर्द सर बने हुए इस वक्त मोहम्मद साले और अजीम दोनों भाई मुखालिफ टीम के बॉलरों के लिए, क्योंकि मुखालिफ टीम के जो बॉलर है वो सर तोड़कर सर जोड़कर सोचो विचार में मसरूफ है कि इन दोनों भाइयों में से किसी भी एक से किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए। और राउंड द विकेट आने का फैसला किया अदनान आरे गेंद करने के लिए। अंपायर के पास से पूछे गेंद की और इस मरतबा साले ने गेंद को बहुत ही दूर फेंका। बड़ा शानदार चक्का मोहम्मद साले के बैट से, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद के नीचे आकर सही वक्त में गेंद को उठाकर बड़ी शानदार बल्लेबाजी मोहम्मद साले के बैट से। इस ओवर में ये तीसरा छक्का है इस मोहम्मद साले के बैट से। इक्यावन रन तीन ओवर के अख्तितम पर स्कोर 51 रन 22 रन थे जब अदनान ओवर के लिए आए और अब पहुंचा दे स्कोर को 51 तक। तो मजमूई तौर पर इस ओवर में 29 रन बटोरे मोहम्मद साले ने अदनान से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसमें से मुस्तफीद हो। सत्रह रन पर ओवर की औसत से स्कोर किए हैं इस वक्त मेरा बाजिद खैर स्टार के खिलाड़ियों ने। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद साले। बहुत से तमाशाई जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साले की इनिंग देखने के लिए ग्राउंड में बैठे हुए हैं और हर लगाए गए छक्के के साथ खुशी से झूम उठे हैं यहां पर तमाशाई। बड़ी शानदार क्रिकेट देखने को मिल रही है, बड़ी तफरी फराहम कर रहा है यहाँ पर दोनों भाई तमाशाइयों को। और ये मैच
बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि इसमें जो आदिल नवाज 11 है उनकी तरफ से बड़े बड़े बैट्समैन इसमें शामिल है। तो अगर मैं कहूं कि 140 150 तक कर जाते हैं मेहराबाज इदखील स्टार, तो भी ये मुखालिफ टीम के लिए मेहराबाज इदखील के लिए इसका दिफा करना दिफा करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चढ़वाई ए क्रिकेट टीम है उसमें बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी शामिल है, और जिसमें काबिल जिक्र नाम रौनक जमान, अदनान, आदिल नवाज और मोहम्मद उमेर। कल सेमीफाइनल में इन्होंने गबासनी 11 को 197 रन का हदफ दिया था जीतने के लिए। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिल नवाज 11 के जो बैट्समैन है लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं और लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उमेर आर अगेन करने के लिए पहुंचे गेंद की और कॉट बिहाइंड की अपील की, लेकिन बावन रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। उमेर आर गेंद करने के लिए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की अच्छी गेंद, बड़ी होशियारी से फेंकी गई गेंद थी जिसका कोई जवाब नहीं था मोहम्मद अजीम के पास। गेंद उनके शू से टकराती हुई गई, करीब ही खड़े हुए सिली मिडोन पर खड़े हुए फील्डर ने गेंद को उठाकर थ्रो किया, लेकिन एक रन का मौका था जो हाथ से जाने नहीं दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। चौथा ओवर का खेल जारी है, स्कोर 53 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। उमेर जिसका सामना करेंगे मोहम्मद साले, उमेर जो कि खुद लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है और लेफ्ट हैंड से खेलना पसंद करते हैं, इसलिए मोहम्मद उमेर शायद वो ज्यादा तजुर्बा रखते होंगे मोहम्मद साले के खिलाफ बॉलिंग करने का, लेकिन ये सब कुछ आपको हमको और हम सबको देखने को मिलेगा इस गेंद के बाद कि मोहम्मद उमेर जो बजाते खुद लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है वो किस तरह की गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हैं। उमेर पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और होशियारी से फेंकी गई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। उमेर इस वक्त राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। बड़े अच्छे और नामवर ऑलराउंडर मोहम्मद उमेर पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी जिसे घुमा दिया है लेग स्टंप बाउंड्री की जानेब। अंपायर का इशारा कि ये 6 रन, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं दोनों भाई इस वक्त। मोहम्मद उमेर की ये गेंद तवक्कुआत से ज्यादा जो थी उछली उठती हुई आई और इसे सही एरिया में पॉइंट लेग पर खेलकर 6 रन हासिल किए। स्कोर 60 के पेटे में दाखिल होता हुआ 60 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तमाशाइयों का जोश खरोश इस वक्त। अजीम एक मरतबा फिर सामना करेंगे मोहम्मद उमेर का। उमेर पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और छिगे 30 मरतबा खेल लिया लेग स्टंप की जानिब।
फील्डर गेंद के पीछे आए, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया और तीसरा रन बनाना चाहते थे। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर मोहम्मद सालेम के, उनके भाई मोहम्मद अजीम ने उसे वापिस जाने का इशारा किया, वरना किसी भी सूरत में तीसरा रन खतरे से खाली नहीं था। स्कोर 60 के पेटों को उबूर करता हुआ 62 जा पहुंचा बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमें यहां पर सर तोड़कर सर जोड़कर यहां पर यह टाइटल अपने नाम करने के लिए सरदल की बाजी लगाने को तैयार है, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल मुतवाजिन और एक दूसरे के खिलाफ पंज आजमाई के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। और इस मरतबा बड़ी अच्छी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद, अजीम के पास कोई जवाब नहीं था। बड़े खुशकिस्मत रहे अजीम के, गेंद स्टंप को छुए बगैर विकेटकीपर की तरफ गई, वरना यकीनी तौर पर ये अजीम खान का नुकसान बाजित खेल के लिए उठाना पड़ जाता। मोहम्मद उमेर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, एक मरतबा फिर आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे अजीम खान। अच्छी गेंद थी, बड़ी अच्छी और होशियारी से किपे की गई गेंद थी और गेंद गई फील्डर की जानिब, एक रन बनाया दूसरे रन के लिए, वापिस मुड़े। और इस मरतबा मोहम्मद अजीम ने वापिस जाने का, साले ने अपने भाई को वापिस जाने का इशारा किया। तो 4 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 63 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप की है दोनों भाइयों ने इस वक्त, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पहले ओवर में, पहले दो ओवर में 11 रन के औसत से रन बनाए, फिर इस औसत तीसरे ओवर के खात्मे पर एकदम पहुंचा 17 तक और अब कदरे बेहतर 16 तक जो है एवरेज जा चुका है। तो 16 रन पर ओवर के औसत से स्कोर किए इस वक्त मेरा बाजिद खस्टार के ओपनिंग बल्लेबाजों ने। इसके बाद आने वाले खिलाड़ियों में फैसल खान, आने वाले खिलाड़ियों में बड़े बड़े नाम शामिल है, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो इन दोनों की तरह लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करे अच्छी तरीके से और बॉलर पर कदरे प्रेशर लाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आदिल नवाज 2020 में सेमीफाइनल में यहां पर एक इनिंग में 22 छक्के लगा चुके हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस मैच को देखें। असद को बुलाया है, लेफ्ट हैंडर असद अच्छी बॉलिंग फेंकने की अहलियत रखते हैं, कई मौकों पर अपने टीम के लिए कारामत साबित हुए, सुदमन साबित हुए अपनी टीम के लिए। और आज इनकी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन इसके खिलाफ है। और अजीम और मोहम्मद सालेम, मैं कल भी बता चुका हूं कि हर गुजरता गेंद जो है, हर गुजरता वक्त, हर गुजरता मिनट यहां पर मोहम्मद सालेम के फेवर में होता जा रहा है, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ साथ इसका तजुर्बा मजीद से मजीद होता जा रहा है। लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि असद जो 5 ओवर के लिए लाया गया है किस किस्म की गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। चार ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 66 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद असद आए हैं गेंद करने के लिए 5 ओवर के आगाज के लिए, इसका सामना करेंगे अजीम खान। ये मैच आप ब्यूटी ऑफ अमाजई के पेज से बराह रास्त देख सकते हैं, लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त अपने कैमरे जो है नसब किए हैं ब्यूटी ऑफ अमाजे के कैमरामैनों ने। असद अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े हैं, अजीम बिल्कुल तैयार खड़े हैं बैटिंग करने के लिए। असद पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, बड़ी अच्छी गेंद, गेंद जो थी सीधी गई और जबड़े से टकराई मोहम्मद अजीम की,
और बॉलर ने दरियाफ्त किया, खैरियत दरियाफ्त की, अजीम की। और ये बड़ी क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट का मुजाहिरा किया इस वक्त मोहम्मद असद ने, क्योंकि गेंद बैट्समैन के जबड़े से टकराई और मोहम्मद असद ने बजाते खुद जाकर उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तो क्रिकेट जज्बात के साथ साथ जिसमें खुश अखलाक खिलाड़ी होते हैं उनको सराहा जाता है। और आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान की खुश अखलाकी सर चढ़ कर बोल रही है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और अपनी बैटिंग में फिर वो जौहर दिखा देते हैं। तो मोहम्मद असद ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और गेंद जो थी वो अजीम खान के जबड़ों से टकराई, उसके बाद बजाते खुद जाकर उनसे खैरियत दरियाफ्त की। इस वक्त असद सामना करेंगे उसका मोहम्मद साले। सतासठ रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर असद आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल नहीं बल्कि अंपायर ने लेग अंपायर की जानिब से लेकर अंपायर से दरियाफ्त किया और लेग अंपायर ने उसे बावर किया कि गेंद ताई पेट को चू कर आई थी विकेट कीपर के दास्तानों में, इसलिए ये गेंद लीगल डिलीवरी थी। तो दो गेंदों पर एक रन कंसीड कर चुके हैं मोहम्मद असद। मोहम्मद असद अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े हैं, पील तरतीब दे रहे हैं इस वक्त विकेट कीपर मोहम्मद जुनेद की शर्ट पहने हुए। मोहम्मद असद आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद थी। तो दो ही रन पर इक्तफा करना पड़ा, स्कोर 67 से जा पहुंचा 69 के मजमुए पर। सॉरी सामीन, तो स्कोर 66 रन है, चूंकि स्कोरर ने स्कोरिंग बोर्ड पे थोड़ी सी गलती की थी जिसका उन्होंने इजाला किया और स्कोर को अब उन्होंने स्कोर बोर्ड पर ठीक किया है। स्कोर 66 रन है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुए। मोहम्मद असद अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार आ रहे गेंद करने के लिए, इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप की जानिब, एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और तीसरा रन भी बनाया और तीन ही रन पर इक्तफा करना पड़ा। बल्कि बागकर सुसरवी की बदौलत, जहां पर पाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर की सुसरवी की बदौलत बागकर चार रन मुकम्मल किए और अंपायर ने ये बावर कराया कि भागते भागते एक रन जोता वो शॉट लिया इन्होंने। तो चार के बजाय अब तीन रन कोटे में दर्ज किए जाएंगे मोहम्मद साले के। स्कोर जा पहुंचा 69 के मजमुए पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस मैच से मुस्तफीद हो, इस मैच को देख के। मोहम्मद असद ने ताहाल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया, तीन गेंदों पर चार रन कंसीड कर चुके हैं मोहम्मद असद। और गुजरता गेंद और साले के हर खाली वार जो है वो मुखालिफ टीम की ड्रेसिंग रूम में खुशियां लाता है। इस वक्त असद आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से पहुंचे गेंद की और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। स्कोर 70 के पेटे में दाखिल होता हुआ 70 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद असद
सामना करेंगे मोहम्मद साले, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर गेंद दी और अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा किया विकेट कीपर ने। यकीनी तौर पर गेंद तड़ में इनकी जानिब जा सकती थी और अंपायर ने इशारा दिया कि वाइड बॉल, तो स्कोर 70 के पेटों को उबूर करता हुआ 71 रन। फजल आसफ 9 विकेट। मोहम्मद असद अपने बॉलिंग मार पर तैयार आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की इस मरतबा गेंद जो थी गेंद गुड लाइन पर पड़कर उछली, उसे खेल लिया लेग स्टंप होने की जाने, फील्डर गेंद के पीछे आए, एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन बनाया और दो ही रन पर इक्तिफा बल्कि 3 रन भागकर कंप्लीट किए, स्कोर 74 पर जा पहुंचा बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी तक छड़वाई ए क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो पहली विकेट के मुतलाशी है, पहली विकेट की तलाश में है कि किसी भी सूरत इन दोनों भाइयों में से किसी भी एक से भी छुटकारा अगर हासिल किया जाए इस वक्त में तो यकीनी तौर पर किसी हद तक मैच में वापस आ सकते हैं। असद अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े हैं, फील्ड तरतीब दे रहे हैं इस वक्त बताते खुद असद, जो फाइन लेग पर फील्डर था उसे बाउंड्री लाइन के जो 30 गज का फासला है उसे उसके अंदर लाया गया है। असद गेंद करेंगे मोहम्मद अजीम को, असद आ रहे गेंद फील्डिंग में मजीद रद्दबदल इस वक्त, एक गेंद एक फील्डर को स्लिप की पोजीशन में लाके खड़ा किया है, आए गेंद करने के लिए असद और इस मरतबा अच्छी गेंद थी, अब बड़ा खूबसूरत तरीके से खेली, बड़ी खूबसूरत कोशिश की है वहां पर खड़े हुए फील्डर ने, अच्छी कोशिश की कैच पकड़ने की और एक ही रन पर इक्तिफा करना पड़ा, तो बड़ा अच्छा और शानदार और इख्तिताम पजीर जिसमें कोई भी बाउंड्री कंसीड नहीं की मोहम्मद असद ने। 75 रन 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 75 रन और अभी भी आदिल नवाज 11 के जो खिलाड़ी है वो यही चाहेगी कि इनकी जो बैटिंग है इनको अगर 140 130 रन महदूद रखा जाए तो मैच में वापस आ सकते हैं। पंद्रह रन पी ओवर की औसत से स्कोर किए इस वक्त बाजिद खैर स्टार के बल्लेबाजों ने, 5 ओवर के अहतमाम पर 75 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मजीद बाकी मंदा 5 ओवर का खेल बाकी है और देखना है कि किस तरह की बैटिंग का मुजाहिरा करते हैं मोहम्मद साले और मोहम्मद अजीम, दोनों भाई इस वक्त अपने का महा संभालने के लिए आए हैं और अभी तक बड़ी खुशलोबी से इन्होंने मेहराबाजिद खैर स्टार के बैटिंग को सहारा दिया और उन्हें अभी तक पहुंचाया है 75 के मजमुए पर। 5 ओवर के खात्मे का ऐलान अंपायर कर चुके हैं और छठे ओवर के लिए अभी सलाह मशवरा जारी है कि छठे ओवर का महा संभालने के लिए किस बॉलर का इंतखाब किया जाए। शुक्रिया।
रौनक जमान कम और हर वक्त में टर्निंग पॉइंट होता है और अभी भी इनकी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इस मैच का नहीं बल्कि इस इनिंग का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। रौनक जमान अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद अजीम। रौनक जमान ने कल के मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया था, इस वक्त आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत गेंद, गेंद बैट्समैन को छोड़ती विकेट कीपर के हाथों में आई बगैर किसी रन के। रौनक जमान है वंस अगेन आ रहे गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत गेंद थी, लेकिन उतनी खूबसूरती से इसे खेल लिया है स्टेट बाउंड्री की जानिब, गेंद आई टर्नमैन पर खड़े हुए फील्डर की जानिब, स्टेट बाउंड्री पर पत्थर से टकराने के बाद गेंद आई और खुशकिस्मत है मोहम्मद अजीम के, जहां पर एक रन बनना चाहिए था वहां पर चार रन मिल गए हैं मोहम्मद अजीम को। स्कोर 80 के वेटे में दाखिल होता हुआ, बल्कि स्कोर 79 रन 80 की पेटी से 80 के पेटे से एक रन दूर 79 फजला साहब 9 विकेट। छठे ओवर का खेल जारी है, रौनक जमान अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे और बिलाखिर अजीम खान से छुटकारा हासिल करने में कामयाब रहे रौनक जमान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रौनक जमान का ओवर टर्निंग पॉइंट हो सकता है और बिलाखिर अजीम खान से छुटकारा हासिल किया, लेकिन मेरा बात खेल स्टार के लिए खुशाइन बाद कि मोहम्मद साले ताहल क्रीज पर मौजूद है और अगर इस मरहले पर साले से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर 95% मैच पर ग्रिप जो है वो आदिल नवाज 11 हासिल कर लेगी, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी कबल वक्त नहीं कहा जा सकता। वन डाउन पोजीशन पे खेलने के लिए एक और लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अब्दुल सलाम को बुलाया गया है। अब्दुल सलाम भी बड़े अच्छे और नामवर क्रिकेटर हैं और सन 2019 में इसी मुकाम पर सेमीफाइनल में सेंचुरी दाग चुके हैं और आज इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। 30 गज के फासले पर थी गेंद, 30 गज के अंदर थी बल्कि, और गेंद पर हम वक्त निगारे की और गेंद को आने का इंतजार किया वहां पर खड़े हुए फील्डर ने और बिलाखिर अपने हाथों में दबोच कर इनिंग का खात्मा किया अजीम खान की। अदनान ने ये कैच पकड़ा, अच्छा कैच था, मैच साथ साथ शेयर करते जाइए। इस मैच को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अमाजे ताजरात इत्तेहाद के चेयरमैन इनायतुर रहमान ने, और इस पेज के जो ओनर है वो भी इनायतुर रहमान साहिब है और इस पेज के एडमन जो है वो मोहम्मद आमिर है। और इस मरतबा गेंद टाइप से टकराई और इस मरतबा रन आउट होने का चांस, बड़ा अच्छा मौका आया था हाथ फील्डर को और
अख्तर 52 साल फील्डर ने बड़ी चाबक तस्ती से फील्डिंग करते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया। इस पेज के ओनर स्टोरी, इस पेज के ओनर और एडमैन जो है वो आमिर है, साथ साथ उसके साथ मुआविन के तौर पर जहूर अहमद अमाजई और अहमद है। रन आउट होने का चांस था, बिल्कुल मछली हाथ में आकर निकल गई थी। स्कोर 80 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब्दुल सलाम सामना करेंगे रौनक जमान का। हमारे कमेंट्री पर किस उत्साह ना भाई कम दिखाओ समझ रहे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे पहुंचे। जितनी ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा जीतने के मौके पाओगे। ब्यूटी ऑफ अमाजे के ओनर मोहम्मद आमिर आखिर में कुरंदाजी करेंगे और जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है शुरू से लेकर आखिर तक जो 110 मैच इन्होंने 110 मैचों को लाइव कवरेज दिए उन सब का ये डेटा निकालेंगे, फिर उसके बाद उनके दरमियान कुरंदाजी करेंगे और जिसके नाम कुरा निकला उसके उसके लिए मोहम्मद आमिर की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप भी इस शेयरिंग में शिरकत करें ना ताकि आपका नाम भी कुरंदाजी में आ जाए। और अब खेलने के लिए तैयार हुए हैं अब्दुल सलाम। रौनक जमान ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया है और रौनक जमान पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और अब्दुल सलाम ने गेंद को उठाया, फील्डर गेंद के नीचे आए लेकिन आखिर में गेंद तमाशाइयों के अंदर गिरी और तमाशाई ने वहां पर बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया और कैच को लेने में कामयाब रहे लेकिन कैच तमाशाई के हाथ में आया, जिसका दूसरा मतलब कि 6 रन अब्दुल सलाम ने पहली गेंद पर खबरदार किया रौनक जमान को कि वो भी किसी से कम नहीं। और इस वक्त हमारे साथ एक और एडमन ब्यूटी ऑफ अमाजे के जहूर खान तशरीफ फरमाए आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत गेंद, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाहते थे मगर गेंद टाई पेड़ से टकरा कर आई वापस फील्डर की जानिब। तो एक और अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ आदिल नवाज 11 के नुक्ते नजर से, जिसमें स्कोर तो आए लेकिन स्कोर के साथ साथ एक बहुत बड़ी विकेट उनके हाथ लगी मोहम्मद अजीम के सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया जितने व्यूवर है, जितने
जितने व्यूवर कमेंट्स कर रहे हैं, सबके कमेंट्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बयान करने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, उन्हें लोगों के सामने वाजे करने का मौका नहीं मिले, इसलिए हम आपसे माजरत ख्वाह है। यूनस मशर साहब, हम कुरंदाजी करेंगे, अगर आपका नाम कुरे में निकला, हम कोशिश करेंगे कि हम दांदली भी करें आपके नाम को निकालने के लिए, कि आपका नाम कुरंदाजी में निकला है, उसके लिए हम दांदली भी करेंगे, लेकिन आप वीडियो को शेयर करें। इस वक्त 6 ओवर के अख्तितम पर स्कोर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद साले और अब्दुल सलाम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। मोहम्मद असद को एक मरतबा फिर बुलाया गया है कालीलॉन्ड एंड से बॉलिंग करने के लिए, जिसका सामना करेंगे मोहम्मद साले। इस वक्त आसमान पर बहुत ज्यादा बादल छाए हुए, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो क्रिकेट के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है। 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के अख्तितम पर। तो और अब हल्की हल्की धूप जो है वो धूप इस वक्त बादलों की ओर से निकलता हुआ हल्की हल्की चमक के साथ चमकता हुआ, और असद गेंद चमकाने में मसरूफ, जबकि साले चाहेंगे कि वो बैट के जरिए गेंद को चमकाए, लेकिन ये सब कुछ हमको देखने को मिलेगा इस गेंद के बाद कि क्या होता है। मोहम्मद असद बिल्कुल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार खड़े हैं और उसका सामना करेंगे डेंजर में मोहम्मद साले। आ रहे गेंद करने के लिए मोहम्मद असद पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, बड़ी अच्छी गेंद थी, एक मरतबा फिर गेंद थर्डमैन की जानिब गई, एक मरतबा फिर एक रन जान ही बनना चाहिए था, वहां पर बाकर 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने, तो स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा, स्कोर 86 से जा पहुंचा 88 के मजमुए पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अजीम, जिसको इससे पहले वाले ओवर में रौनक जमान की गुड लाइन पर उछलती हुई गेंद के जरिए कैच आउट कराया करीब में खड़े हुए फील्डर मोहम्मद अदनान ने, कैच लेकर इनिंग का खात्मा किया था। मोहम्मद असद आरे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद साले, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, इस मरतबा गेंद को खेल लिया है लेग स्टंप की जानिब, खड़े हुए फील्डर बल्कि बॉलर खुद गए गेंद के पीछे और गेंद को उठाकर थ्रो किया और 2 रन तक महदूद रखा दोनों बैट्समैनों को। और यकीनी तौर पर आदिल नवाज 11 के बॉलरों की ख्वाहिश भी होगी कि यक्की दुक्की पर इक्तिफा किया जाए और बड़ी हिट लगाने से बाज रखा जाए बाजिद खैर स्टार के बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, PSL के ओवर वो कानून के मुताबिक होते हैं, वहां पर कानून लागू होता है, यहाँ पर बसाओ का तमाशाई जो है वो ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, फिर उनको निकालते निकालते टाइम लग जाता है, इसलिए ये मैच फिर ताखिर का शिकार हो जाता है। और ये फाइनल मैच है और फाइनल मैच में कोई भी टीम नहीं चाहेगी उनसे कोई गलती सरजद हो, इसलिए तमाम गलतियों को दूर करने के लिए वो तमाशाइयों को भी ग्राउंड के अंदर नहीं छोड़ते। इस वक्त मोहम्मद असद आ रहे गेंद करने के लिए, उसका सामना करेंगे डेंजर में मोहम्मद साले, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर बिल्कुल हक बजाने में, इसे वाइड बॉल करार देने में स्कोर 90 के पेटे को अबूर करता हुआ 91 पे जा पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। सातवें ओवर का खेल इस वक्त जारी है, आप पहुंचे विकेटों पर मोहम्मद असद, गेंद की और इस मरतबा इस गेंद को भी घुमा दिया लेग स्टंप बाउंड्री की जानेब, फील्डर गेंद के पीछे गए, देखना होगा वो इस गेंद को उठाकर थ्रो करते या नहीं, और हमने उठाकर थ्रो किया और 2 रन तक 3 रन तक महदूद रखा दोनों बैट्समैनों को, स्कोर 94 पे जा पहुंचा
एक विकेट के नुकसान पर। तो मोहम्मद अजीम की आउट होने के बाद स्कोर में कदर कमी आई है और आदिल नवाज 11 के जो सपोर्टर है, जो उनके खिलाड़ी है, जो तमाशा है, वो खुद यही चाहेगी कि 140 से 145 के दरमियान रखा जाए मेहराबाजी खश्तार के टीम को। इस वक्त असद अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, राउंड द विकेट आ रहे, गेंद करेंगे अब्दुल सलाम को पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत गेंद, गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर उछली और यहां पर थोड़ी सी धोखाबाजी का मुजाहरा किया। मोहम्मद असद ने धोखा देना चाहते थे, चकमा देना चाहते थे, गेंद को पील करने के बाद दोबारा फेंक दिया कि शायद रन्स के लिए भाग जाएंगे और रन आउट होने का मौका मिलेगा इनको, लेकिन मोहम्मद साले अपने क्रीज में खड़े रहे। स्कोर में एक रन का मजीद इजाफा। मोहम्मद असद वंस अगेन आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेटों पर, एक स्मार्ट दबा लिया, स्टंप के बाहर गेंद थी। और मोहम्मद असद के बारे में बताता चलो, गालिबन वो जो है मोहम्मद साले की जो कमजोरी है उसको उन्होंने नोट किया हुआ है और मोहम्मद साले की कमजोरी के पीछे जाते हुए मुसलसल उसका पीछा करते हुए और जिसकी सूरत में बस औकात वाइड बॉल भी करवा बैठते हैं। तो लेग स्टंप पर, मुसलसल लेग स्टंप पर बॉलिंग करवा रहे हैं मोहम्मद असद। मोहम्मद साले के अगेन, मोहम्मद साले एक मरतबा फिर सामना करेंगे और इस मरतबा गलती कर बैठे, ऑफ स्टंप पर गेंद दे मारे लेकिन खड़े हुए फील्डर वहां पर और गेंद फील्डर के सर के ऊपर से चली गई बाउंड्री के बाहर, क्योंकि गुड लाइन पर अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और गुड लाइन पर हो या गुड लाइन पर और थोड़ी सी अंदर आती हो तो मोहम्मद साले ऐसी गेंदों को खेलना पसंद करते हैं। और गुड लाइन पर यह गेंद थी, हल्की सी मोमेंट मिली, बाहर थी और इसे सही वक्त में, सही एरिया में, सही अंदाज में खेलकर 6 रन हासिल किए मोहम्मद साले ने। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस किस्म की गेंदें अगर 150 155 किलोमीटर से भी की रफ्तार से भी आ रही हो उसको भी मोहम्मद साले बहुत खुशुसलूबी से खेलना पसंद करते हैं और खुशुसलूबी से बाहर फेंकना जानते हैं। और यही हशर रही इस वक्त मोहम्मद असद की इस बॉल के साथ, गेंद गुड लाइन पर पड़ी और इसे सही वक्त में आकर गेंद को उठाकर दे मारा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। मोहम्मद असद और गेंद करने के लिए 7 ओवर की आखिरी गेंद और इस मरतबा अच्छी गेंद, इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी और बड़ी खूबसूरत गेंद थी। गेंद स्टंप के करीब से होती विकेट कीपर के हाथों में आई लेकिन विकेट कीपर के हाथों में आकर निकल गई, जिसका दूसरा मकसद के बाय की सूरत में एक रन मयसर आया। तो 7 ओवर के अख्तितम का ऐलान कर चुके अंपायर और 7 ओवर के अख्तितम पर स्कोर स्कोर 103 रन है एक विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, स्कोर को किसी हद तक कंट्रोल कर रखा है, जिस तरह का आगाज मिल चुका था मेहराबाजी खश्तार के बल्लेबाजों को, यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा था कि 160 170 से ऊपर जाएंगे लेकिन यकदम बल्ले बॉलरों ने जो है बाउंड्री कंसीड करने पर जो है थोड़ा सा जोर दिया और बाउंड्री कंसीड करने से दूर, बल्कि बाउंड्री मारने से दूर रखा मुखालिब बैट्समैनों को। और अभी पिछले 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 छक्के जुड़ चुके हैं तो इसके आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इन्होंने स्कोर देने से बाज रखा है मेहराबाजी खैर स्टार के खिलाड़ियों को।
इस वक्त स्कोर 103 रन है एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अजीम 31 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद कैच आउट हुए और रौनक जमान की एक अच्छी तेज गेंद पर मोहम्मद अन्नार के हाथों। इस वक्त बाकी 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदों का मुमकिन खेल, 18 गेंदों का खेल आना बाकी और 18 गेंदों में मेहराबाज खश्तार ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेगी। हमजा को लाया है बॉलिंग करने के लिए। हमजा बड़े अच्छे नामवर फास्ट बॉलर कालीलाल वाली चौर से आ रहे गेंद करने के लिए। हमजा आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की अच्छी गेंद, इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी इस मरतबा। मोहम्मद इजहर इस वक्त मिंटोर आए हुए हैं तो सलाम मशवरा दे रहे हैं इस वक्त, इसलिए वो कमेंट्री बॉक्स से दूर है, लेकिन ये अगली इनिंग में हो सकता है कि हम आप उसकी जादुगाना इनिंग से लुत्फानंदोज हो। इस वक्त अब्दुल सलाम सामना करेंगे हमजा का। हमजा आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से पूछे गेंद की अच्छी गेंद थी और इस मरतबा गेंद लिया, गेंद को लेग स्टंप बाउंड्री की जानेब, गेंद बारी किनारा छूती हुई थर्डमैन की जानेब गई, एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल किया और बाकर 4 रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बहुत से दोस्त जो इस वीडियो से महरूम हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसमें से लुत्फानंदोज हो। और इस वक्त राउंड द विकेट आने का फैसला किया है मोहम्मद हमजा ने। सामना करेंगे अब्दुल सलाम, पहुंचे विकेटों पर गेंद की और इस मरतबा गेंद हवा में, आदिल नवाज गेंद के नीचे लेकिन गेंद उनसे एक कदम के पास से पर गिरी, इसलिए दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। एक सौ दस रन, एक सौ दस रन 15 गेंदों का खेल आना बाकी, 110 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब्दुल सलाम सामना करेंगे हमजा का। हमजा शायद हमजा इस वक्त चकमदही से मोहम्मद साली से छुटकारा हासिल करना चाहते थे मगर मोहम्मद साली होशियारी से अपने बैट रखे हुए थे क्रीज में। इस वक्त हमजा आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से पूछे गेंद की और इस मरतबा स्ट्रेट बाउंड्री की जानिब खेलकर एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन मोहम्मद साली चाहेंगे कि स्ट्राइक अपने पास रखे। 111 रन, 111 रन नेल्सन पर जा पहुंचा है और क्रिकेट के इस्तिलाह में इसे अनलकी हिंसा कहा जाता है और देखना होगा कि ये किस टीम के लिए अनलकी साबित होता है। अभी 111 रन एक विकेट के नुकसान पर, हमजा पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद, बड़ी खूबसूरत, बड़ी उम्दा गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कतान समझने से कासिर रहे इस वक्त मोहम्मद साले। गेंद बिल्कुल स्टंप के करीब से होती विकेट कीपर के हाथों में आई और सफाई से पकड़ने में नाकाम रहे। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद हमजा की जानिब से, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, करे तो आखिर क्या करे। अगर अच्छी गेंदे फेंकने में कामयाब हो जाते हैं मोहम्मद हमजा और दीगर बॉलर तो सफाई से पकड़ने से कासिर रहते विकेट कीपर या अकब में कड़े हुए फील्डर तो, और अगर गलत गेंदी का मुजाहरा करते हैं तो उसका हशर बाउंड्री की सूरत में मिल जाता है। इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे और गेंद उनसे एक कदम के पास पर गिरी, इसलिए दो रन के मजीद इजाफा।
116 रन और अंपायर का इशारा कि 8 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुका है। बड़ा अच्छा ओवर, अगर चाहे स्कोर इसमें 13 रन आए लेकिन 12 रन आए, लेकिन गेंदबाजी इनकी बड़ी अच्छी थी और बाउंड्री से बाज रखा दोनों बल्लेबाजों को और अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, लेकिन विकेट कीपर सफाई से पकड़ने में नाकाम रहे, इसलिए बाई और लेग बाई की सूरत में इस ओवर में 7 से 8 रन बटोरे दोनों बैट्समैनों ने। जी बिल्कुल, ये फाइनल मैच खेला जा रहा है मेराबाज खेशतार बमुकाबला चढ़वाई ए क्रिकेट टीम, और दोनों टीमें इससे पहले 2020 में नबरत आजमा हो चुके हैं, जिसमें आखिरी ओवर में 20 रन दरकार थे और अजीम खान ने आदिल नवाज के खिलाफ 20 रन बनाकर अपनी टीम के जोली में वो टाइटल डाला था। और आज दोनों टीमें सर तोड़कर सर जोड़कर कोशिश कर रही है कि ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहे। दोनों टीमें बड़ी मुतवाजन, दोनों टीमें इस वक्त बड़ी मुतवाजन है बैटिंग लाइन के अगर देखा जाए बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि आदिल नवाज 11 की जो टीम है उसमें आदिल नवाज बजाते खुद, उसके बाद रौनक जमान और मोहम्मद उमेर, मोहम्मद अदनान, हमजा असद, ये सब बड़े अच्छे और लॉन्ग हैंडर का इस्तेमाल करना जानते हैं, बड़े बड़े हिट खेलना पसंद करते हैं। इस वक्त मोहम्मद साले सामना करेंगे मोहम्मद उमेर का, मोहम्मद उमेर राउंड द विकेट आ रहे हैं मोहम्मद साले के खिलाफ 3 या 4 कदम के स्टार्ट के साथ फेंकेंगे आ रहे गेंद करने के लिए, और इस मरतबा पुल टॉस गेंद थी जिसे खेल लिया है लेग स्टंप पर, खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर से चली गई गेंद 6 रन के लिए। और इस वक्त मोहम्मद साले को मैं देख रहा हूं कि वो लेग अंपायर पर बरस पड़े हैं कि ये गेंद ज्यादा उठी हुई आ रही थी पुल टॉस की सूरत में, नो बॉल थी, लेकिन मैं नहीं बल्कि साले की ये गुमान है कि ये नो बॉल थी लेकिन अंपायर ने नहीं दी। लीगल डिलीवरी, 6 रन आए हैं इस गेंद पर। मोहम्मद उमेर आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद साले, पहुंचे विकेटों पर गेंद थी और इस मरतबा फुल टॉस गेंद, एक मरतबा फिर इसको खेल लिया है लेग स्टंप बाउंड्री की जानेब, एक मरतबा फील्डर गेंद के नीचे आए और एक मरतबा फिर गेंद फील्डर से पासे पर गिरी और भागकर 3 रन हासिल किया और 14 रन भी बनाना चाहेंगे, रन आउट होने का चांस, लेकिन गेंद मोहम्मद उमेर के हाथों में आए बगैर नीचे जमीन पर गिरी, अच्छी थ्रो फेंकी थी वहां पर खड़े हुए फील्डर ने। मोहम्मद उमेर आ रहे गेंद करने के लिए, एक मरतबा फिर 2 गेंदों पर 10 रन कंसीड कर चुके हैं और इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, इस मरतबा खेल लिया है मुसलसल फुल टॉस करवा रहे हैं और मुसलसल बाउंड्री कंसीड कर रहे हैं मोहम्मद उमेर। मुसलसल फुल टॉस डिलीवरी कर रहे हैं और ये भी पुल टॉस, इस मरतबा खेल लिया है फील्डर गेंद के नीचे आए और इस वक्त गेंद फील्डर के हाथों में आकर निकल गई, एक आसान कैच फील्डर के हाथ में आकर निकल गई। देर आमद दुरुस्त आमद वाला हो सकता था यहां पर, देर आमद दुरुस्त आमद वाली कहावत हो सकती थी अगर चक गेंद
फील्डर पकड़ पाते तो बाकी मंदा 8 गेंदों से दूर रख सकते थे मोहम्मद साले को, क्योंकि मोहम्मद साले अब सिट हो चुके हैं और बाकी मंदा 8 गेंदों पर वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे। इस बार दबा एक और पुलटास, एक और छक्का, एक और पुलटास, एक और छक्का, 4 गेंदों पर मुसलसल, 5 गेंदों पर मुसलसल 5 पुलटास, और जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, 24 रन हासिल किए मोहम्मद साले ने 5 गेंदों पर। मुसलसल 5 गेंदे पुल टॉस, 5 गेंदे मुसलसल पुल टॉस और 5 गेंदों पर 24 रन कंसीड कर चुके हैं मोहम्मद उमेर। जब आप सालिक के खिलाफ पुल टॉस गेंदे फेंकेंगे तो यकीनी तौर पर इस मरतबा गेंद को उठाया, इस मरतबा गेंद को उठाया, इस मरतबा गेंद हवा में उछली, अब टिप पकाती विकेट कीपर के पास आई और खुशकिस्मत रहे मोहम्मद उमेर, बदकिस्मत रहे मोहम्मद साले के गेंद बैट से नहीं टकराई, वरना ये भी बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। 5 पुल टॉस गेंदे और जिस पर खुमियाजा भुगतना पड़ा और 24 रन कंसीड किए उस 5 गेंदों पर। हेलो 140 स्कोर वाउ का ना सही है, आखिरी ओवर पाते थे तो एक ओवर का मजीद खेल आना बाकी है। स्कोर 140 रन एक विकेट के नुकसान पर और अदनान आए गेंद करने के लिए, एक ओवर का खेल बाकी और इस ओवर में 24 रन बटोरे मोहम्मद साले ने मोहम्मद उमेर के खिलाफ। मोहम्मद उमेर ने 5 गेंदे उसमें पुल टॉस पे की और 5 गेंदों पर 3 छक्के 1 चौका और 1 दुखी, कुल मिलाकर 24 रन बटोरे मोहम्मद सालेह ने। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की गेंदे खेलना पसंद करते हैं मोहम्मद सालेह। इस वक्त अब्दुल सलाम सामना करेंगे और इस मरतबा इस खेल लिया स्टेट बाउंड्री की जानी, फील्डर गेंद के नीचे आए और एक और कैच गिराया, एक और कैच गिराया लेकिन रन आउट होने की सूरत में अब्दुल सलाम से छुटकारा हासिल किया कड़े हुए फील्डर ने। आज फील्डिंग निस्बतन कमजोर रही चढ़वाई क्रिकेट टीम की, कई कैचेस गिराए, कई रन आउट मिस किए और कई मिस फील्डिंग की जिसकी बदौलत ज्यादा रन बटोरने में कामयाब रहे मेहराबाज अल्खैर स्टार के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद साले और अजीम खान और उसके बाद अब्दुल सलाम। 141 रन है इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर, बाकी मंदा 5 बॉल खेलने के लिए कप्तान ने भेजा है आबिद अली को। और मेरा बाजी खेस्टार की नुकता नजर से खुशाइन बाद कि मोहम्मद साले इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और अगर मैं एक बात कहूं तो इस पूरे टूर्नामेंट में ये 7वां मैच है मेरे पास खिश्तार की जानिब से और सिर्फ एक मैच में मोहम्मद साले आउट हो चुके हैं, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 6 मैचों में नॉट आउट के तौर पर आए हैं। तो यानी 6 मैचों में कोई ऐसे बॉलर नहीं जिसने इसको आउट किया हो।
और चांसेस बहुत मिले हैं, बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं, कई मौके पर आसान आसान कैच गिराए हैं। और इस वक्त अन्ना आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की ओर, इस मरतबा आउट हो गए, इस मरतबा आउट हो गए हैं। शायद मेरी बातें अदनान की कानों से टकराई थी और उन्होंने ये जांच लिया था कि वो पहले बॉलर होंगे जो मसाले को आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। और मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मुझे कह रहे हैं कि आप की नजर बहुत तेज है, अगर आप ये पहले बता देते कि मोहम्मद साले को किसी ने आउट ना किया है तो शायद पहले आउट हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद साले अपनी बारी बखूबी खेलकर अपनी टीम को एक ऐसे मरहले पर लाकर खड़ा करके अपना छोड़कर गए हैं जहां से वो अपनी वो इस मैच में अपनी मुकर्रर करदा स्कोर का दिफा कर सकती है उनकी मजबूत बॉलिंग लाइन को देखकर। लेकिन उसके मुकाबले में जिस तरह मजबूत बैटिंग लाइन है आदिल नवाज 11 की, उससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ये मैच मेहराबाज खेल के लिए तरने वाला साबित नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छी क्रिकेट, अच्छा मुकाबला आप यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को देखने को मिल सकता है। और इस वक्त मोहम्मद साले और मोहम्मद अजीम के एक और भाई मोहम्मद फैसल नमूदार हुए ड्रेसिंग रूम से खेलने के लिए। बहत्तर रन की बड़ी शानदार और जानदार और दलेराना और परेबाना इनिंग खेलकर आउट होकर पवेलियन में बैठ चुके हैं। इस मरतबा फैसल ने इस गेंद को खेलकर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और भाग कर दो रन मुकम्मल किया। और इस वक्त चढ़वाई शाहीन की बदकिस्मती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गेंद वहां पर सुराख में घुस गई, जाली करीब में कड़े एक सुराख में गेंद चली गई और फील्डर ने हाथ अंदर किया लेकिन गेंद को निकालने में नाकाम रहे और भाग कर चार रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ बैठे। मोहम्मद आमिर, हम थोड़ी सी बात करेंगे, अगर ये यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो मेंबर है, अगर वो चेंजिंग में, वो कानून में थोड़ी चेंजिंग लाए, थोड़ी रद्द बदल, यानी अगर कोई गेंद झाड़ियों में जाए तो उसको एक या दो रन करार दे, या अगर कहीं गुम हो जाए तो एक, या क्योंकि इसमें बैट्समैन की कोई महारत नहीं होती है, इसमें बॉलर की बदकिस्मत ही होती है कि गेंद कहीं छुप जाता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास पहुंची गेंद के, और इस मरतबा गेंद को उठाया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और आखिर में गेंद फील्डर से फासले पर गिरी, एक रन बनाया, दूसरे रन के वापस मुड़े और भाग कर तीन रन मुकम्मल किए। तो स्कोर 148 रन, दो गेंदे मजीद बाकी और स्कोर 148 रन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 148 रन इस वक्त एक अच्छा और काबिल दीद मजमुआ है, देखना होगा कि आदिल नवाज 11 के बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करने का मुजाहिरा कर दिए। इस वक्त आप भी सामना करेंगे अदनान अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी और बहुत ज्यादा उछलती हुई आई विकेट कीपर के हाथों में और अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया, जबकि दूसरे अंपायर ने ये बावर किया उसे कि आप अपने कोटे का एक लीगल डिलीवरी जो शॉर्ट पिच होती है वो आप फेंक चुके हैं, अगर आप दूसरी बॉल फेंकेंगे तो यकीनी तौर पर नॉर्मल तस्वर होगी। इस वक्त अदनान आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की आप भी सामना करेंगे और ये गेंद सीधी गई विकेट कीपर के हाथों में, रन आउट होने का चांस और रन आउट हो गए। तो आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे मोहम्मद फैसल। आखिर में अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया, लेकिन शुरू में एक और फिर आखिर में 90 ओवर में जो
मोहम्मद उमेर ने रन कंसीड किए, शायद उसी पर पछतावा होगा आदिल नवाज 11 के बैट्समैनों को कि अगर वो ये रन न कंसीड करते तो शायद इस वक्त मैच और इस मरतबा 150 रन का टारगेट मिला है यहां पर आदिल नवाज 11 को, ये मैच जीतने के लिए, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए, ये टाइटल अपने नाम करने के लिए हमारे पास मौका है कि हम आप तक कुछ बातें पहुंचाए। इस वक्त चूंकि एक इनिंग का इख्तिताम पजीर हो चुकी है तो हमारे पास कुछ मौका है कि हम आप तक पहुंचाए, अपडेट कुछ पहुंचाए। इससे पहले बिन्यामीन मलक, बिन्यामीन यूसुफ़ज़ई और आदिल नवाज 11 जो तीनों टीमों के कप्तान हैं उनके दरमियान टॉस पे का किया। शाहीन छड़वाई एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले नहीं बल्कि मेरा बाजिद खेल बिल्कुल छड़वाई एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और अभी तक मेरा बाजिद खेल के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज खेलने के लिए आए अजीम और मोहम्मद साले, उन्होंने अच्छा सहारा दिया टोटल को और 80 के मजमुए पर पहली विकेट गिरी मोहम्मद अजीम की सूरत में, 31 रन बनाकर वो आउट हुए। फिर उसके बाद अब्दुल सलाम खेलने के लिए आए जिन्होंने मोहम्मद साले का अच्छा साथ दिया और वो आखिरी ओवर में कैच आउट हो गए और उसके बाद मोहम्मद साले भी कैच आउट हो गए और मोहम्मद साले 71 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। तो अब सूरत हाल ये है कि 150 रन का मजमू है स्कोर बोर्ड पर आदिल नवाज 11 के खिलाफ। आदिल नवाज 11 को 150 रन का जो जो मजमू है इसको सर करने के लिए बड़ी सर तोड़ और सर जोड़ कोशिश करनी पड़ेगी, बड़ी तापनाक तोड़ हमले करने पड़ेंगे बाजिद खेल स्टार के बॉलरों पर। अगर 150 रन से दूर रखते हैं बाजिद खेल स्टार आदिल नवाज 11 को तो मुसलसल नहीं बल्कि दूसरी मरतबा ये फाइनल जीतने में कामयाब हो जाएगी। और अगर बिलफर्ज आदिल नवाज 11 150 रन का हदब जो मजमू है उसको सर कर देती है तो यकीनी तौर पर जो ताज होगा, जो यहां पर जो कप होगा वो उन्हें के सर रख दिया जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट वक्फा दे दागे ना रोस्तो बिया इंशाल्लाह दोबारा बराजू लाइव।